अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सब मुझे दुआओं में याद रखें, इंशाल्लाह मैं हम सब के लिए दुआ करूँगी। आज बच्चों के लिए टिफ़िन भी बनाना था, तो इट्स ऑलमोस्ट 7:30 हो गए थे, तो मैं बनाई उन लोगों के लिए ब्रेकफास्ट में थोड़ा टमाटर फ्राइड राइस बनाई थी लेफ्ट ओवर राइस के। तो टिफ़िन के लिए मैं बनाई थी रोटी, फूल गोभी का सालन आलू डाल के। ये था बाहर का व्यू, ठीक से दिख रहा नहीं, मैं विंडो ओपन ही नहीं कर रही बहुत दिनों से। यहाँ पे बन रहे थे उनके लिए रोटी, और कुकर में था फूल गोभी आलू का सालन। और उसके बाद मैं उनके लिए टिफ़िन भी बना दी, उनका ब्रेकफास्ट भी दे दी, अल्हम्दुलिल्लाह ये टिफ़िन है। फिर उन लोग चले भी गए थे, उनका बहुत सारा काम था घर का जो मैं कर ले रही थी। और ये था ब्रेकफास्ट में अंडा, मेरे से अंडा थोड़ा सा ख़राब हो गया, और टिफ़िन ले लेके चले गए दोनों भी बच्चे। फिर इन्हों सोफिया का तो घर पे ही था थोड़ा ट्यूशनिंग। फिर इसके बाद बच्चे चलने के बाद मैं पानी भी भर के रखी थी ना, अमान अभी नहीं गए थे, अमान को बोली अमान लेके आ लो पानी घर में, तो अमान मेरे हेल्प कर दिए पानी लेके आने में। और गेट का लॉक नहीं खोले थे हम लोग, तो अमान गेट, छोटी गेट भी है, छोटी गेट में से चले गए। और ये था ब्रेकफास्ट में फूल गोभी आलू का सालन रोटी आप के सबको एक साथ। छोटी सी इन्फॉर्मेशन, दस्तरखान पे खाने से एक निवाले को 100 नेकियाँ मिलते हैं इंशाल्लाह। और ये थी बचपन की याद दिलाने वाली पेप्सी, और मेरा कुरानी क्लास का वॉइस रिकॉर्ड और वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकी मैं, फ़ोन नहीं था तो मैं क्लिपिंग्स डाल दी, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं शेयर कर रही हूँ जो मैं इशा की नमाज़ के बाद पढ़ती हूँ ना, वो मैं किस तरीके से नोट कर लेके, उसको याद कर लेके पढ़ने की कोशिश करती हूँ। इशा की नमाज़ के बाद अक्सर हर मुसलमान को पढ़ना चाहिए सूरह मुल्क, जो हमें खबर के अज़ाब से बचाएगा इंशाल्लाह। ये है मेरी बुक जो जिसमें मैं को थायराइड का प्रॉब्लम है, तो मुझे थोड़ा याद नहीं रहता कोई चीज़ कभी कभी, तो मुझे प्रॉब्लम हो जाता है उससे। ये जो है सूरह मुल्क है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस तरीके से इनको एक एक बिट वाइज लिख लेके याद करती हूँ। ये पूरा मैं अभी यहाँ तक पहुँची मैं सूरह मुल्क में, और इंशाल्लाह मैं आगे का भी लिख के वो भी याद कर लूँगी। मुझे ऐसा याद करना इजी दिखता है, इन इजी वे मैं भी स्टेप बाय स्टेप सब कुछ पढ़ रही हूँ। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी किसी दिन। और ये जो है तबारक अल्लज़ी बि अदहिल मुल्क वहु अला कुल्ली शयीन कदीर, मैं ऐसा एक एक स्टेप करके याद कर लेती हूँ। फिर उसके बाद जो है फिर इशा में और मगरिब में और फजर में जो है अल्लाह का जिक्र और अस्कार, और अस्तग़फिरुल्लाहि रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बी वा तुबु इलैह, हसबुनल्लाहु व नीमल मौला व नीमल वकील, और अल्हम्दुलिल्लाह। और जिक्र और अस्कार के कई सारे किताब है, आप इंशाल्लाह उसमें से रीड करिए। फजर में तो यासीन और जो है सूरह मुल्क हो जाता मेरा अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके बाद थोड़ा जिक्र और अस्कार कर लेती हूँ, अल्लाह के नामा पढ़ लेती हूँ याद करने के लिए। मैं अल्लाह के नामा भी लिखी मैं ये बुक में अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें लिखी मैं, ये मेरा बुक है, ये ऑलमोस्ट मेरे पास 8 ईयर्स ऐसा कुछ है ये बुक। मैं जैसे जैसे देखिए सूरह बकरा के आयत जो है मैं तर्जुमे के साथ इसमें लिख ली, मतलब अच्छा दिखता एक राइटिंग के साथ, रीडिंग भी करे तो दिल में बैठ जाता। मैं को याददाश्त ज़रा कमज़ोर है तो इसके लिए ये है। और ये देखिए मैं ऐसे इस तरीके से नाम लिख लेके मेमोराइज़ करती हूँ, और उनके नाम के साथ तर्जुमा भी लिख ली मैं अल्हम्दुलिल्लाह। सो इस तरीके से मैं जो भी है मेरे लाइफ में, मैं मतलब अल्लाह के करीब होने के लिए अल्लाह ताला मुझे सेलेक्टिव बंदों में बनाए जिन्हें अल्लाह ताला पसंद करते हो, और अल्लाह ताला जिनके लिए इनामात रखे हो उनमें से अल्लाह ताला मुझे भी शामिल करे, मुझे भी वो ग्रीटिंग्स और सब क्रेडिट्स चाहिए। तो इसलिए मेरी ये कोशिश है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह से, और ये सब चीज़ें मैं अल्लाह के पास से मेरे लिए मेरे हक में मांगूँ,
हमेशा इंशाल्लाह हम सब के लिए। और जो है ये मैं तर्जुमा जो है मैं फिर क्लास के बाद फिर से कभी फजर में कभी जो भी है तर्जुमा मैं यहाँ से जो भी तिलावत हो रहा ना तिलावत के बाद तर्जुमा होता ना वो तर्जुमा जो है मैं इधर से रीड कर लेती हूँ एक बार फिर से। मैं तकफीर के साथ भी जाना चाह रही हूँ इंशाल्लाह, वो तो मैं कोशिश करूँगी लेकिन मैं सुन लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। अभी नहीं हो रहा, बहुत दिनों से मैं नहीं पढ़ रही हूँ, मतलब वो जो मैं पहले सुनती थी तर्जुमा का भी और डिटेल रहता, उसको मेरे को प्रोनाउंस करने नहीं आ रहा। आप में से किसी को मालूम हो तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बता देना इंशाल्लाह। मैं अभी ये किताब तो क्लोज़ करती हूँ, सदकल्लाहुल अज़ीम। मैं जब से पढ़ लेते बैठी हुई थी फिर भी मैं आप लोगों के साथ एक बार शेयर कर लेंगे। अब तो जहर की नमाज़ पढ़ ले के बैठी थी मैं, आप लोगों के साथ शेयर कर लेंगे इशा में मैं क्या पढ़ती हूँ बोल के बनाई ये ब्लॉग इंशाल्लाह। दुआ में याद रखे, जज़ाकल्ला, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, बेशक अल्लाह ही है हिदायत देने वाले रब, बस ज़रिया बना देते हैं बंदों को इंशाल्लाह। मेरी उम्मीद और मेरी कोशिश मैं जारी रखूँगी क्योंकि अल्लाह ने हमें चूज़ किया और अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मेरे बाद मेरी उम्मत है जो इस्लाम और अल्लाह की बुजुर्गी बयान करने वाली है। सो मैं अल्लाह और अल्लाह की इताअत करते हुए मैं ये जारी रखूँगी इंशाल्लाह। अल्लाह मुझे साबित कदमी अता फरमाए, कलमे वाली ज़िंदगी और कलमे वाली मौत अता फरमाए, आमीन सुम आमीन। जज़ाकल्ला, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। अल्लाह हाफिज़।